हेलो गाइस, स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स RST एंड RASD, स्टैंड्स फॉर रैंडम स्कैन डिस्प्ले एंड रेस्टर स्कैन डिस्प्ले। तो ये बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझने में आसानी होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से कोई भी इमेज CRT सिस्टम की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्क्रीन पर आती है। अब यहाँ पर जब एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि कोई भी इमेज स्क्रीन पर आने के साथ साथ वो अपने सारे इफ़ेक्ट्स को लेकर आती है, जैसे कि कलर है, एनिमेशंस हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, लाइक पॉइंट, लाइन, एलिप्स, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे पॉइंट्स, तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी उनके साथ आते हैं। और बेसिकली आप कभी भी किसी भी इमेज को देख लो, चाहे वो डायनेमिक हो या स्टैटिक इमेज हो, ये इन्हीं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से ही मिलके बने होते हैं। और उस एस्पेक्ट के साथ उसमें इफ़ेक्ट ऐड किए जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि कोई भी इमेज फ्रेम बफर में जाकर स्टोर होता है। फ्रेम बफर में ये सारी इमेज की डेफिनेशन फ्रेम्स के पार्ट में स्टोर होती है, क्योंकि एक इमेज के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, यानी उसके कई सारे फ्रेम्स बन सकते हैं। अगर आपने नेगेटिव रील्स देखी होगी किसी भी वीडियो की, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। CD में कोई भी इमेज, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, वो भी सेक्टर वाइज स्टोर होते हैं। फ्रेम्स में सेक्टर वाइज स्टोर होते हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं, और इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये इमेज, फिर हमें वो पूरी तरीके से डायनेमिक लगता है। टेलीविज़न में भी अगर हम किसी मूवी को देख रहे हैं या वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वो ये मान के चलिए कि ये फ्रेम्स बड़ी तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, यानी ये माना जाता है कि स्पेशली कि 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ये आते हैं, और हमें वो पूरी वीडियो हमें दिखाई पड़ती है। तो इस चीज़ को माइंड में रखने की ज़रूरत है। स्टैटिक या डायनेमिक इमेज फ्रेम बफर में फ्रेम्स के पार्ट में स्टोर होते हैं, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि स्टैटिक के केस में फ्रेम की संख्या कम होगी, और डायनेमिक के केस में फ्रेम्स की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वीडियोस बने होते हैं, उसमें कई सारे इमेजेस होते हैं। अब मैं सीधे सीधे इसी टॉपिक पर आता हूँ कि मेथड्स कौन कौन से अप्लाई होंगे किसी भी स्क्रीन पर इमेज को शो करने के लिए। तो पहला मेथड हमारा आता है रेस्टर स्कैन सिस्टम। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेस्टर स्कैन सिस्टम का कि यहाँ पर स्कैन लाइन के थ्रू किसी भी इमेज को ड्रॉ किया जा सकता है, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगी, ये यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव किया, फिर राइट टू लेफ्ट, यानी जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है ये स्कैन लाइन को शो कर रहा है, और जो डॉटेड लाइन है ये राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और इस केस में कोई भी स्कैनिंग नहीं होती, यानी स्कैनिंग सिर्फ लेफ्ट टू राइट के पर जाने के बाद ही होगी। और एक बात मुझे और बताना है कि फ्रेम्स में स्टोर हो गए। अब ये फ्रेम्स भी डिवाइड होते हैं, कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स में ही फ्रेम्स डिवाइड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पिक्सल। और ये फ्रेम्स किसी भी मॉनिटर या टेलीविज़न के स्क्रीन्स के रेशियो के साथ साथ एलिजिबल होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी स्क्रीन को अगर गौर से देखें तो हमें छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम पिक्सल कह सकते हैं। चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखो, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखो, छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई देंगे पूरी स्क्रीन पर। दीज आर दी पिक्सल्स, और इन्हीं पिक्सल्स के डेफिनेशंस फ्रेम बफर में फ्रेम्स में स्टोर होती है। हर पिक्सल में इमेज का कोई ना कोई पार्ट स्टोर रहता है, जो कि फ्रेम बफर में स्टोर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेम्स में भी
हर एक पिक्सल की डेफिनेशन स्टोर होती है। जितने पिक्सल्स स्क्रीन पर होंगे उतने ही पिक्सल्स के फ्रेम्स भी बने होंगे और वो फ्रेम बफर में स्टोर होंगे। और जब भी फ्रेम बफर से कोई भी एक फ्रेम लिया जाता है स्क्रीन पर भेजने के लिए, तो उन्हीं फ्रेम्स में नंबर ऑफ पिक्सल्स के बेसिस पर स्क्रीन पर वो इमेजेस आने लगती है। अब जैसे कि ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, एक स्क्रीन में ये देखा जाता है कि उस स्क्रीन के कितने पिक्सल कवर हो गए और हर पिक्सल में इमेज का कौन कौन सा पार्ट आ गया इफ़ेक्ट के साथ, तो ये सारी वो पिक्चर का वो पार्ट इसमें ड्रॉ हो जाएगा। फिर राइट टू लेफ्ट गया, कोई भी स्कैनिंग नहीं मानी जाएगी। फिर से लेफ़्ट टू राइट, फिर देखा जाएगा कि अब कितने पिक्सल ट्रेस हो रहे हैं और हर पिक्सल में कौन कौन से इफ़ेक्ट उस इमेज के शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा और लास्ट में फ्रेम कंप्लीट होने के बाद, यानी कि उस फ्रेम की सारी स्कैनिंग हो चुकी है, स्क्रीन पर वो पूरा फ्रेम आ चुका है, फिर दूसरे फ्रेम के आने के लिए ये स्कैनिंग वापस से अपर लेफ्ट कॉर्नर पर पहुंच जाएगी, ये स्कैनिंग वाली लाइन, और दूसरा फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा और फिर से लेफ्ट टू राइट ये मूव करता रहेगा। यानी कि एक बात मुझे और बतानी है कि ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है, ये स्क्रीन पर स्कैन लाइन आपस में जुड़ी होती है। ये पढ़ाने के लिए इसलिए है क्योंकि जिससे कि समझ में आ जाए कि लेफ्ट टू राइट पर ही स्कैनिंग माना जाता है और उसी के दौरान ही पिक्सल्स ट्रेस होंगे और इमेज भी उसी के दौरान ही बनेगी। और फिर जब राइट टू लेफ्ट ये डॉटेड लाइन दिया गया, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया, वहाँ पर भी ऐसे ही मूव करेगा। अब बात क्या हुई कि जब तक ये जब ये स्कैन लाइन लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो इसे कहा जाता है स्कैन लाइन, और लेफ्ट राइट से वापस से अगर यहाँ पहुँचा है तो इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल रिट्रेस। जब स्कैन लाइन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, जैसे टोटल लाइन जो शो कर रहा है, इसे कहा गया हॉरिजेंटल रिट्रेस, यानी कि एक स्कैन लाइन कंप्लीट हो गई। फिर से दूसरे स्कैन लाइन की तरफ मूव किया, फिर से राइट टू लेफ्ट की तरफ आया, ये हो गई दूसरी, यानी कि दूसरी वो स्कैन लाइन कंप्लीट हो गई। यानी कि हॉरिजेंटल रिट्रेस ही बताता है कि इतनी स्कैन लाइन कंप्लीट हो चुकी है। जब ये लास्ट पॉइंट से लास्ट बिलो राइट कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर पर जाता है दूसरे फ्रेम के लिए, तो इसको भी एक डॉटेड लाइन से शो किया गया है, यानी कि दूसरे फ्रेम की तरफ पहुंच चुका है, तो इसे कहा गया वर्टिकल रिट्रेस, यानी कि दूसरा फ्रेम स्टार्ट हो चुका है। यानी कि वर्टिकल रिट्रेस बताता है कि वन फ्रेम कंप्लीट हो चुका, दूसरा लेफ्ट स्टार्ट हो गया, और हॉरिजेंटल रिट्रेस बताएगा कि एक एक स्कैन लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये आता है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होती है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि रेस्टर स्कैन डिस्प्ले में कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप करता है अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई, वही हमने डिस्कस किया। और दूसरे स्लाइड में लिखा हुआ है कि वो पिक्चर कहाँ पर स्टोर है, वो रिफ्रेश बफर में स्टोर है। क्लियर हो गया? ये फिर हमने डायग्राम से देख लिया। रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या करेगा, इसमें कोई स्वैपिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की स्वैपिंग नहीं होती, ये बेसिकली स्टैटिक पिक्चर के लिए ही बनाया जाता है, मोस्टली स्टैटिक पिक्चर के लिए बनाया जाता है। और स्टैटिक पिक्चर यानी जैसे फ़ोटो कोई खींचा गया और उसमें कोई कौन सा ड्राइंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कितने सर्कल्स हैं, कितने लाइंस हैं, तो हर एक पार्ट, हर एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक फ्रेम बन जाएगा। इससे हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं और डायरेक्टली उसी को वो शो कर लेता है। जैसे हमें लाइन खींचनी है तो हम सिंपली उसमें लाइन खींच लेंगे, तो लाइन का कौन सा पार्ट पहले आएगा, उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, ये यहाँ पर डिस्कस आता है। जैसे कि इसमें चार पार्ट दिखाया गया है और हमें जो बेसिक जो उसका ऑब्जेक्टिव, हमें एक ट्रायंगल को इमेज स्क्रीन पर शो करना है, तो सबसे पहले तो ये स्क्रीन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर गई, यानी एक फ्रेम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन उसी के साथ जुड़ के की गई, फिर लास्ट में ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है, यानी कि तीन फ्रेम क्रिएट हुए, 1 2 3। ये था स्टैटिक पिक्चर के लिए। अगर इसी को हम रैंडम स्कैन से करते हैं,
रेस्टर स्कैन सिस्टम से करते हैं तो शायद ये एक ही बार में हो जाता है, क्योंकि वो ट्रायंगल एक ही इमेज में वो फ्रेम में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब रैंडम की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर एक लाइन एक बार में स्क्रीन पर आ रहा है, यानी कि एक फ्रेम में एक ही लाइन स्टोर्ड है और वो एक ही बार में आ जाएगी। और इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और इसमें मेमोरी भी कम लगती है। इसमें भी माना जाता है कि 30 से 60 टाइम्स लाइन एक सेकंड में वो खींच सकता है, यानी कि स्टैटिक पिक्चर बनाने के लिए ये मेथड बढ़िया है। आई होप दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप ये चीज़ समझना कि स्टैटिक वो रेस्टर स्कैन सिस्टम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के केस में आता है और उसमें स्वैपिंग चलती है, और रैंडम स्कैन सिस्टम में पिक्चर के अकॉर्डिंग ही कौन सा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के बेसिस पर लाइन एलिप्स एक एक फ्रेम में स्टोर होते रहेंगे और वही फ्रेम्स स्क्रीन पर आते रहेंगे। थैंक यू टू